हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अर्जुन, से स्वागत है आपका मेरे चैनल के ऊपर। आज मैं क्या हूँ आपके लिए ब्यूटी ब्यूटी पीपल की प्रोडक्ट्स का रिव्यू। तो हम पहले थोड़ा सा उसकी कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको ये वीडियो पूरा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडियस है। ठीक है, वो एक चीज़ फाइंड आउट ये है इनके बारे में। लोग बोलते हैं ब्यूटी पीपल एक इंडियन ब्रांड है, बट मैं इस फैक्ट को मना करूँगी कि एक इंडियन ब्रांड है। इसका रीज़न आपको आने वाले आगे वीडियो में पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने मतलब जितने भी वीडियो देखे हैं, मैंने नहीं देखा कि किसी ने आपको इसके बारे में बता रखा है। तो डू वॉच दिस टिल एंड, और ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, ब्यूटी पीपल क्रुएल्टी फ्री है, बहुत अफोर्डेबल सामान बनाती है, और आपको इन सामान को बहुत देख के लेने हैं, क्योंकि कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें जो इन लोगों ने क्लैरिफाई नहीं कर रखी है। तो हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारे पास ब्यूटी पीपल का ये आई लाइनर। ब्यूटी पीपल का ये आई लाइनर, ये कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, और यहाँ पर इसकी लिखी है इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पर लिखी है इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पर है इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, और यहाँ पर बहुत छोटा सा लिखा हुआ है इसकी क्वांटिटी, जो कि है 6 ml। ठीक है, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है 16 आवर्स का लॉन्ग स्टे है इसका, और ये जो छोटा सा स्टिकर है यहाँ पे, इसकी प्राइस और डिटेल्स लिखी हुई है। शेल्फ लाइफ है इसकी 2 ईयर्स, ये है 199 का, बट मुझे मिला था 125 रुपीज़ में। प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, कुछ इस तरह की सिंपल पैकेजिंग में आता है ये, बहुत लाइट वेट है, बॉटल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये कुछ इस तरह से खुलता है, और इसका जो ब्रश है, ब्रश इसका इतना ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है, तो आपको एप्लीकेशन करने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, पर इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है, और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। ठीक है, तो इस आईलाइनर बहुत सिंपल है, बॉटल पे सिर्फ ब्यूटी पीपल आईलाइनर लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गोल्डन कैप है, बहुत इसकी जो कैप है आप बहुत इजीली होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग है। ठीक है, ये प्रॉमिस करते हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, ऐसे जैसे कि मैंने आपको बताया 6 आवर का स्टे बताते हैं। ये एक्सट्रीम ब्लैक है, ये ऐसा प्रॉमिस करते हैं, पर फाइन क्वालिटी है, जैसे कि मैंने बताया ब्रश इसका इतना ज़्यादा फाइन है नहीं, और ब्लैक एक्सट्रीम ब्लैक भी नहीं बोल सकते इसको, बहुत ज़्यादा लाइट है। ठीक है, ये देखो बहुत ज़्यादा लाइट है। हाँ, ये है कि इसको अप्लाई करने में ना बहुत मतलब ऐसा लगता ही नहीं है आपने लाइनर लगा रखा है, और जो इसकी स्मेल है थोड़ी केमिकल की स्मेल है। ठीक है, तो बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है, विदिन 15 सेकेंड्स ये ड्राई हो जाता है। और अगर हम कंपेयर करें इसको बाकी लिक्विड लाइनर की से, तो इस कंसिस्टेंसी है वो बाकी लाइनर्स के कंपैरिजन में थिक कंसिस्टेंसी है। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी सूख जाता है, एक्सट्रीम ब्लैकेस्ट ब्लैक तो नहीं बोलेंगे, इससे भी डार्क ब्लैक आता है, ब्लैकेस्ट ब्लैक नहीं है, बट देखो अब ये सूख चुका है। ठीक है, ये सूख चुका है, ये स्मच प्रूफ तो है। ठीक है, ये स्मच प्रूफ है, और आपने देखा विदिन 15 सेकेंड्स ये सूख गया। अगर हम इसके स्टे की बात करें तो ये 16 आवर्स तो नहीं, बट हाँ 4 to 5 आवर्स ज़रूर टिक जाता है। वाटर प्रूफ नहीं है ये, वाटर से बहुत इजीली निकल के आ जाता है, और आई थिंक इसमें थोड़े से ग्लिटर पार्टिकल्स भी है। जी, इसमें थोड़े से ग्लिटर पार्टिकल्स भी है। ठीक है, प्रो नंबर 1 ये बहुत जल्दी सूख जाता है, प्रो वी कैन काउंट इट एज अ प्रो, ये 4 to 5 आवर्स टिक जाता है। ठीक है, बहुत आराम से लगा रहता है। प्रो नंबर 3 इसकी थिक कंसिस्टेंसी है एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड लाइनर्स। ठीक है, 125 रुपीज़ में आपको 6 ml क्वान्टिटी मिली है, तो आई थिंक ये भी एक अच्छी डील है। अब आते हैं हम हमारे कॉन की तरफ, बहुत जैसे कि प्रॉमिस करते हैं एक्सट्रीम ब्लैक, तो एक्सट्रीम ब्लैक नहीं है, आपको 2-3 टाइम्स अप्लाई करना पड़ेगा तब आपको ये कुछ लाइनर्स होते हैं जो पॉपअप होकर आते हैं, क्योंकि लगता है आपने लाइनर लगाया हुआ है। इस लाइनर के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपको इसको 2-3 लेयर्स लगानी पड़ती है, फिर आपको कहीं जाके ये शो होता है कि हाँ आपने भी लाइनर लगाया है। एक्सट्रीम ब्लैक हम नहीं बोल सकते, एक्सट्रीम ब्लैक तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत प्रिसाइज लाइनर लगाएं आप, तो मे बी आपको इसके साथ प्रॉब्लम आ सकता है, मुझे भी प्रॉब्लम आया है, क्योंकि इसका ब्रश सुपर फाइन नहीं है, इसका ब्रश बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है। अगर पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे कि मैं ये लाइनर दोबारा लूँगी, तो नहीं, मैं ये लाइनर दोबारा नहीं लूँगी, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर मुझे और अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनके साथ मैं जाना प्रेफर करूँगी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास आई शैडो पैलेट। ठीक है, इधर ब्यूटी पीपल मेकअप लिखा हुआ है, ब्यूटी पीपल वर्ल्ड, यहाँ पे लिखी हुई है कुछ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 12 कलर आई शेडो। ठीक है, और यहाँ पे ये लोग इन्होंने प्रॉमिस किया है हाईली पिगमेंटेड, लॉन्ग लास्टिंग और नॉन ट्रांसफर। ओके, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है इसकी सेम, और इसकी शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स, विच इज़ वेरी गुड, और
इसमें लिखा है कि मेड इन पीआरसी है यानी चाइनीज। इन्होंने वेबसाइट में एक चीज़ समझ नहीं आ रही, इन्होंने वेबसाइट पे लिख रखा हुआ है ऑल द प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया, बट यहाँ पे लिखा हुआ है पीआरसी। अगर ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है तो मैं नहीं बाय करूँगी इसको आगे से, आई एम रिग्रेटिंग दिस, ठीक है, क्योंकि वी शुड एनकरेज अवर इंडियन ब्रांड्स नॉट द चाइनीज़। जो हमारा टेंशन है अभी वो कुछ और टॉपिक हो जाता है, बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू बाई दीज चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। इसका जो वेट है वो 12 ग्राम्स है और 3 ईयर्स की है, कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाता है। ये 279 रुपीज़ का है, 12 शेड्स है तो आपको एक शेड 23 रुपीज़ का पड़ जाएगा। कुछ इस तरह का पैकेजिंग है इसकी, ये मैगनेट मैगनेट से लॉक हो जाता है, आपको दिख रहा होगा ये मैगनेट से लॉक हो जाता है। ये कुछ शेड्स है इसमें, इसमें 9 शिमर शेड्स है और 3 मैट शेड्स है। और जब आप इसको लेते हो ब्रश में तो ये चौकी है, चौकी शेड्स है ये, ठीक है। तो आप जब भी इनको लेते हो ये जो फॉल आउट्स होते हैं, दिख रहा है आपको ये फॉल आउट्स होता है, तो ये मुझे थोड़े से कम पसंद आए। और 3 शेड इसमें, ये वाला शेड, ये वाला और ये, ठीक है, तीनों मैट है और बाकी सारे इसमें शिमर शेड्स है। ये इसके साथ एक ब्रश आया है, ये ब्रश आया है, यहाँ पे है ये फ्लैट ब्रश और यहाँ पे है ये ब्लेंडेबल, ठीक है, ब्रश 2-in-1 ब्रश है। ब्रश की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और कुछ ब्रश होते हैं यहाँ से निकल जाते हैं, बट ये यहाँ से नहीं निकलेंगे। ब्रश की क्वालिटी अच्छी है, बट दैट्स टोटली फाइन। और ये कलर कॉम्बिनेशंस मुझे बहुत अच्छे लगे, तो चलते हैं स्वेचेस की तरह, ठीक है। तो ये है कुछ स्वेचेस, अब चलते हैं कि प्रोज और कॉन्स की तरफ। तो प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छे हैं, आपको 279 रुपीज़ की इनकी प्राइस है 12 शेड्स की। लेकिन देखिए ये ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसको पैक करिए, ये बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं गिरेगा, ये बहुत अच्छा ट्रैवल फ्रेंडली ऑप्शन है ये, ठीक है। कॉन नंबर 1, ये चौकी साइड है, उनका बहुत ज़्यादा फॉल आउट्स होता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना, आपको बेकिंग करनी पड़ेगी इनको अप्लाई करने से पहले, ठीक है। सबसे बड़ा कॉन है इसका कि ये मेड इन PRC है, चाइनीज़ प्रोडक्ट है, जो कि मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती। मैंने इनको इसलिए बाय किया था क्योंकि इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे मेड इन इंडिया हैं, बट आई डोंट नो क्या कन्फ्यूजन है क्या है, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शॉट लगा दूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि आई थिंक कोई कन्फ्यूजन है, आई डोंट नो क्या है, इन्होंने क्लियर नहीं कर रखा है। अगर ये ऐसा है तो ये फ्रॉड है, ये गलत है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये PRC है, यहाँ पे लिखा हुआ है PRC, मैं आपको फोटो अटैच कर दूँगी तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे PRC लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है, जैसे ये लोग प्रॉमिस करते हैं ट्रांसफ़र प्रूफ, ये नहीं है। और स्मच बहुत ईजी हो रहे हैं, ऑब्वियस है ना, क्योंकि चौकी है तो स्मच तो होगा ही, स्मच बहुत ईजिली हो जाते हैं, तो वुड नॉट रिकमेंड दिस एट ऑल, बिल्कुल भी मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। बट आप अगेन आपकी चॉइस है, अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बट आई प्रीफर कि आप वहाँ चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं खरीदें। और जैसे कि हमें पता है कि दिवाली आने वाली है, तो हम जो फेरी लाइट्स वगैरह खरीदते हैं, पटाखे खरीदते हैं, वो भी चाइनीज़ से आते हैं। फेस्टिवल हमारा होता है लेकिन कमाई वो लोग करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस बार आप बिल्कुल भी कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट मत खरीदिए, हमारे देश को सपोर्ट कीजिए, दैट वुड बी गुड फॉर अस, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये बुलेट लिपस्टिक, ये इनका न्यूली लॉन्च है, मेरे पास एक ही लिपस्टिक है, लिपस्टिक काफ़ी प्यारी पैकेजिंग है इसकी, काफ़ी प्यारी बॉटल है और क्लिक के साथ ये पैक हो जाता है, आपको सुनाई दे रहा है ये, जस्ट लाइक दिस विद अ क्लिक ये लॉक हो जाता है और बिल्कुल भी गिरता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपनी ब्रांडिंग दे रखी है ब्यूटी पीपल, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने शेड नंबर जो कि है 209। इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी है 3.8 ग्राम्स और इसका शेड नेम है न्यूड ट्रेंड ब्राउन, ठीक है। ये पिंक मोवी शेड की है और मैंने फेसबुक पे इसके काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े हैं, उन कमेंट्स में ये था कि जो इनके जो पैकेज जो प्रोडक्ट्स रिसीव होते हैं वो आधे से ज़्यादा ब्रोकन होते हैं, एंड आई कैन फील दैट, क्योंकि मुझे ये जो लिपस्टिक है ये ब्रोकन आई थी, जैसे कि आपको ये ब्रोकन आई थी, ठीक है, ठीक है। ये मैट है, ये सुपर मैट है और बहुत मतलब, और इसकी प्राइस यू वॉन्ट बिलीव, आपको इतनी अच्छी लिपस्टिक 100 रुपीज़ में मिल जाएगी, 100 रुपीज़ में आपको बहुत प्यारी लिपस्टिक मिल जाएगी। इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी है, न्यूड कलर है, मैंने बेसिकली अभी यही अप्लाई कर रखा है, ठीक है। इसका अगर मैं स्वेच आपको दिखाऊँ तो इस ये
क्योंकि सुपर मैट है, तो ये आप जब 2 बार ग्लाइड करेंगे तब आपको बहुत अच्छा पिटिंग सा ये दे देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और आप जब एक और बार करेंगे तो आपको ये फुल कवरेज दे देगी, ठीक है। और आप क्योंकि ये टूटी है तो इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये विदा लॉक सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने 2 बार ग्लाइड किया है तब जाके ये कलर आया है। अब ये सुपर 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 मैट है और बहुत अच्छा स्टेक कर जाती है। तो अब क्योंकि ये मैट है तो माइट भी ये लिप्स पे ड्राई लगे आपको, बट ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती लिप्स को। बहुत प्रिटी पिंक मॉवी शेड है इसका, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। इनके अगर मैं बात करूँ तो ये जो वेबसाइट पे इनका कलर कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ख़राब है, वेबसाइट पे थोड़ा ब्राउनिश कलर दे रखा था और ये थोड़ा पिंक साइड पर है, ठीक है, जो मैंने अप्लाई करा है आपको दिख रहा होगा। तो ये इसका शेड नंबर है 209, अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं दे दूँगी। बहुत 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 सारे, कम से कम 12 से 13 शेड्स आपको इसमें अवेलेबल है। आपको प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि वेबसाइट पे कलर कोऑर्डिनेटेड नहीं है, दिखेगा ब्राउन निकलेगा पिंक, बहुत बहुत डिफरेंस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वेबसाइट पे और रियल लाइफ में। तो एक थोड़ी सी कॉन लगा मुझे, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा, ये प्रॉब्लम वाला साइड है कि आपको कलर चूज़ करने में प्रॉब्लम आ सकता है। मैंने अभी ये वाला कलर लगा रखा है, ये बहुत अच्छे से टिक जाता है। जनरली मेरे साथ क्या होता है कि मैं जब लिपस्टिक लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि एम लिपस्टिक ईटर, ठीक है, मैं लिपस्टिक को खा जाती हूँ और बहुत ज़्यादा ऑयली होता है तो मेरे लिपस्टिक नहीं टिकती, ठीक है। लेकिन ये लिपस्टिक 5 से 6 आवर्स आराम से टिक जाएगी, अगर आप ऑयली फूड भी खाते हो तो भी काफ़ी अच्छे से ये टिक जाएगी और सेंटर ऑफ द लिप्स पर से ये नहीं हटेगी, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द लिप्स पर से नहीं हटेगी। मेरे लिए बहुत अच्छा काम करती है, न्यूली लॉन्च थी ये और आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद इट, ठीक है। अब हम इसको चलते हैं प्रोज और कॉन्स की तरफ। प्रो नंबर 1, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, बहुत लंबे समय तक चलती है, 5 से 6 आवर्स तक ये चल जाती है। प्रो नंबर 2, क्वालिटी इसकी बहुत बहुत अच्छी है, इनको तो लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती है, लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती है, स्मच प्रूफ है, ठीक है। प्रो नंबर 4, स्मच प्रूफ है, बिल्कुल भी स्मच नहीं करती है, और ये देखो, ठीक है, हाँ, बस एक अगर आप देखोगे तो ये एक दो बार ट्रांसफ़र होगी, एक दो बार और 4 टाइम पे बिल्कुल भी ट्रांसफर, और ज़्यादा ट्रांसफ़र भी नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो थोड़ा जितना सा ट्रांसफ़र होगी बिल्कुल एक दो टाइम पर, उसके बाद बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होगी, जैसे कि लिप ग्लॉसेस होती है बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो चलते हैं हमारे कॉन की तरफ। कि लिपस्टिक का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि आपको इसकी पहले लिप बाम लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लिपस्टिक है ये जो आपकी लिप्स की फाइन लाइन्स है उस पर जाकर सेटल हो जाती है, तो वो थोड़ा सा अजीब सा गंदा लगता है। तो आप एक बार लिप बाम लगा लेंगे और फिर उसके बाद ये लिपस्टिक अप्लाई करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इट विल वर्क वेरी गुड। तो एक थोड़ा सा कॉन ये है कि ये लाइन्स में सेटल हो जाती है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप इसको 2 बार ग्लाइड करेंगे तब आपको थोड़ा अच्छा पे ऑफ मिलेगा। तो ये थोड़ा सा हैवी फील करती है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बट थोड़ा सा हैवी फील करती है कि आपने कुछ लगाया हुआ है लिप्स पर, यू कैन फील इट, ठीक है। इसकी आउटर पैकेजिंग तो बहुत प्रिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है, यूनिक है, बहुत अच्छी है, बहुत इजीली लॉक भी हो जाती है जैसे कि मैंने आपको बताया। बट इनकी प्रॉब्लम है, इनको अपनी पैकेजिंग पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ब्रोकन लिपस्टिक मिली थी विच इज़ नॉट गुड, यू नो, फर्स्ट इंप्रेशन बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और मैंने फेसबुक पे कमेंट भी पढ़े थे, बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे जिनको ब्रोकन प्रोडक्ट्स रिसीव हुए, तो आई थिंक उनको इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। बट ओवरऑल अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। ओके, तो मैंने अभी भी देखा कि इसमें लिखा हुआ है कि ये जो लाइनर है ये लिखा हुआ है कि मैग्नीफाइड और मार्केटेड बाय मॉड वेव्स कॉस्मेटिक। मॉड वेव्स कॉस्मेटिक दिल्ली बेस्ड है, ठीक है, 2000 में इसने इस्टेब्लिश किया था, तो ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, दैट इज़ वेरी गुड। तो आप अगर आपको चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं। ये जो है ये मैग्नीफाइड जो मैन्युफैक्चर है, ये मैन्युफैक्चर की है जिन हुआ जियाओ कॉस्मेटिक को लिमिटेड, तो मैन्युफैक्चर तो इन्होंने किया लेकिन इसको मार्केट मॉड वेव्स कर रहे हैं, तो बेसिकली कुछ अमाउंट तो जाएगा ही, ठीक है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड टू बाई यू दिस आई शेडो पैलेट, नॉट एट ऑल गुड। इसमें आई एम नॉट श्योर, वेबसाइट पे भी कोई डिटेल्स नहीं दे रखी है, यहाँ पे बस शेड नंबर दे रखा है और इन सर्कल यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड वेव्स कॉस्मेटिक, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है कि इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है या इम्पोर्ट किया है। तो आई थिंक इन्होंने कोई और डिटेल नहीं दे रखी, तो ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही है, इसको मैन्युफैक्चर मॉड वेव्स नहीं करा है, तो आप डेफिनेटली इस लिपस्टिक को चेकआउट कर सकते हैं। बट मे भी मैन्युफैक्चर और मार्केटेड दोनों इन्होंने मॉड का किया, वरना क्रेडिट ये लोग देते रहेगा। आई डोंट नो इनकी वेबसाइट के साथ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इनकी मैंने एक अकाउंट लॉगिन किया था मेरी एक ईमेल आईडी से, तो मैंने उसका पासवर्ड डाला, वो मैच नहीं हुआ, मैंने पॉकेट पासवर्ड पे किया, मुझे कोई भी ईमेल रिसीव नहीं हुआ रिगार्डिंग माय पासवर्ड रीसेट। तो वेबसाइट तो फिर मैंने न्यू आईडी लॉगिन की, ठीक है। अब मैं जब उसको वापस से लॉगिन कर रही हूँ बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, लॉगिन भी नहीं हो रही है और पॉकेट पासवर्ड करे तो मुझे कोई मेल भी रिसीव नहीं हो रहा है। तो इनकी वेबसाइट, आई डोंट नो क्या वेबसाइट बनाई है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इनकी सर्विस, तो
आप मेक श्योर आप एक बार लॉग इन करते हो, अपना पासवर्ड अच्छे से याद रखिए। मे बी मेरा पासवर्ड का कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, बट मैंने चेक किया, मेरे पासवर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मे बी इनकी वेबसाइट में ही प्रॉब्लम है क्या है। मेरा मोस्ट मोस्ट फेवरेट है लिपस्टिक, और सबसे लीस्ट फेवरेट है आई शेडो पैलेट, एंड यू नो द रीज़न वाई। फिर मैं वेबसाइट का लिंक नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप बिल्कुल उसको चेकआउट करिएगा, जाके देखिएगा। और जितने प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ इनकी लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इनकी एक और पैलेट है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा, मैं वहाँ पर अपडेट्स आपको देती रहूँगी, तो हम वहाँ पर मिलेंगे, बातें करेंगे। तो ये था आज का रिव्यू ब्यूटी पीपल का। मैंने आपको बताया मेरा मोस्ट फेवरेट कौन सा है और लीस्ट फेवरेट कौन सा है, तो आप मुझे बताएं कि आपका मोस्ट फेवरेट और लीस्ट फेवरेट कौन सा है। ये था ब्यूटी पीपल। कुछ प्रोडक्ट्स आप प्लीज़ देख के खरीदिए, आप प्रोडक्ट्स देख के खरीदिएगा, कुछ मेड इन चाइना है, कुछ मेड इन इंडिया है। तो एक थोड़ा प्रॉब्लम ये है, वेबसाइट का इनका प्रॉब्लम है, बाकी क्वालिटी इनकी अच्छी है, ठीक है, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, और प्राइस के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा है। प्राइस के अकॉर्डिंग भी ब्यूटी पीपल के साथ आप जा सकते हैं। तो और इनकी थीम है ब्लैक कलर, जो कि बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये था आज का रिव्यू, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे बताइए कि कैसा रहा मेरे वीडियो में, कोई मैंने पॉइंट मिस कर दिया है, या मेरी वीडियो में मैं कैसे इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, या आप क्या देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की ट्राई करूँगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ कहीं इंस्टाग्राम हैंडल दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। मुझे फॉलो करिए और अपने प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और उसके पास जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं वीडियो डालूँ आपको वीडियो मिलती है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।